हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो रेसिपी है वो है टूटी फ्रूटी की। तो ये देखिए, मैंने घर पर टूटी फ्रूटी बनाई है। कच्चे पपीते से ये बनती है, बट मैंने यहाँ पे जो तरबूज के छिलके होते हैं उनसे बनाई है। नॉर्मली हम लोग तरबूज खा के उनके छिलकों को फेंक देते हैं, तो मैंने उनके छिलकों को फेंका नहीं है। उनसे ये देखिए टूटी फ्रूटी बनाई है। उसका जो ग्रीन पार्ट होता है उसको निकाल के, और जो रेड पार्ट होता है उसको निकाल के, हमें सिर्फ उसका वाइट वाला पार्ट यूज़ करना है। उसे यूज़ करके मैंने टूटी फ्रूटी बनाई है। उसे धूप में सुखाकर अच्छे से आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए, मार्केट जैसी टूटी फ्रूटी बनती है। मेरे पास दो ही कलर अवेलेबल थे, ऑरेंज कलर और रेड कलर, तो मैंने उसकी बनाई। अगर आपके पास जो कलर अवेलेबल हो आप उनकी बना सकते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। केक बनाना है या कुछ भी बनाना है तो उसको डेकोरेट करने के लिए अगर हमारे पास कुछ नहीं रहता तो मज़ा नहीं आता है। तो आप घर पर ये टूटी फ्रूटी बनाइए, बच्चों को भी बहुत पसंद आती हैं। तो चलिए देख लेते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, देखते हैं रेसिपी कैसे बनती है। तो टूटी फ्रूटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तरबूज के ये छिलकों को लिया है। इनकी आज हम टूटी फ्रूटी बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वैसे तो कच्चे पपीते से बनती है टूटी फ्रूटी, बट हम घर पे इनको बनाएंगे। हम इनको वैसे तो फेंक देते हैं, इनका कोई यूज नहीं रहता है, लेकिन आज हम इन्हीं से आज टूटी फ्रूटी बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो इसका जो ये हरा वाला पार्ट होता है, ये जो छिलका होता है ये वाला, इसको हम निकाल देंगे ऐसे छील के। ये देखिए, आप चाकू की मदद से भी निकाल सकते हैं ऐसे। हमें सिर्फ इसका व्हाइट वाला पार्ट चाहिए है, तो वो हम यूज करेंगे। ये आपको ग्रीन वाला पार्ट निकाल देना है पूरा। देखिए, हमने ग्रीन वाला पूरा पार्ट निकाल दिया है। अब इसका हमें रेड वाला पार्ट भी नहीं चाहिए है, तो ये हम रेड वाला पार्ट भी निकाल देंगे। ये देखिए, पूरा हमें व्हाइट लेना है इसका, ना रेड लेना है ना ये ग्रीन कवर लेना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से हम पूरे निकाल लेते हैं। पूरा ग्रीन पार्ट आप निकाल लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। तो हम पूरा ग्रीन पार्ट निकाल लेते हैं पहले। ये देखिए, मैंने इन सभी छिलकों का ग्रीन पार्ट और रेड पार्ट निकाल दिया है। देखिए, सभी का निकाल दिया है और अच्छे से इनको वॉश कर लिया है। अब हम इनको छोटे 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 टुकड़ों में काटेंगे। जैसे टूटी फ्रूटी रहती है छोटी छोटी सी, वैसे ही हमें इनको काटना है, एकदम छोटा छोटा साइज करना है। इनको एक साइड रख लेते हैं। आप चॉपर की मदद से भी इसको चॉपर के ऊपर रख के काट सकते हैं।
ये देखिए एकदम छोटा छोटा साइज करना है हमें इसका। ज्यादातर हम क्या करते हैं इसको फेंक देते हैं कि छिलके का कोई यूज नहीं रहता है, बट हम आज इसकी टूटी फ्रूटी बनाएंगे। ये देखिए जैसे मैंने ये छोटा छोटा सा काटा है ऐसे ही आपको सारा ऐसे काट के रख लेना है। ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से इनको कट कर लिया है, आपको भी ऐसे ही कट करना है। ज्यादा छोटे मत करिएगा वरना ये सूखते टाइम और छोटा हो जाएंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो ये जो हमने कट किए हैं अब हमें क्या करना है, इनको पानी में उबालना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक बाउल चढ़ा के रखा है और इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। अब हम इसमें इसको डाल देते हैं और आपको इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बॉईल करना है। ये देखिए 2 से 3 मिनट होने के बाद इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और थोड़े थोड़े से ट्रांसपेरेंट दिखने लगे हैं। ये देखिए आपको बॉईल होने के बाद 2-3 मिनट तक पकाना है। तो चलिए गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, अब हम इसको छान लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक जाली ली हुई है, अब हम इसको छान लेंगे। पूरा पानी हमें इसका निकाल देना है। वाह ये देखिए पूरा पानी आपको निकाल देना है इसका। ये देखिए पूरा पानी हमने इसका निकाल लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसका पानी भी पूरा निकल जाना चाहिए। ये देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट दिख रही है। अब हम इसको ठंडा होने देते हैं। ये देखिए ये ठंडी हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई हुई है, उस पर मैं 1 कटोरी शुगर डालूंगी। ये 200 ग्राम शुगर है, उस पर मैं 1.5 गिलास पानी डालूंगी। मेल्ट होने तक आपको इसको चलाना है। शुगर मेल्ट हो जानी चाहिए, उसके बाद हम इसमें इनको डालेंगे। ये देखिए इसमें बॉईल आना शुरू हो चुका है, अब हम इनको डाल देंगे। इसको आपको 8 से 10 मिनट तक अच्छे से पकाना है इसमें, ताकि ये जो शुगर का जो शिरप है वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। तो अब हम इसको पकने देते हैं। 8 से 10 मिनट तक अच्छे से पकाइएगा, मीडियम फ्लेम पे ही रखना है आपको। ये देखिए 8 से 10 मिनट के बाद ये अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं और आप इनको एक टेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इनमें शुगर सिरप अच्छे से एब्जॉर्ब हुआ है कि नहीं।
ये देखिए, और पानी भी, शुगर का पानी भी हमारा थोड़ा सा ही बचा हुआ है। अब आपको जितनी कलर की बनानी है आप उतनी कलर में डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दो कलर की बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास अभी कलर अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास जितने कलर हैं तो आप उतने कलर में डिवाइड कर लीजिएगा। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इनको अब हम कटोरियों में निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने इनको यहाँ पे दो कटोरियों में निकाल लिया है। मेरे पास अभी दो कलर ही अवेलेबल हैं, एक ऑरेंज कलर और एक रेड कलर। तो आपके पास जितने कलर हो आप उसमें डिवाइड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने दो कटोरी में डिवाइड किया है। अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, ये ऑरेंज कलर है। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। हम इसमें रेड कलर डालेंगे। थोड़ा सा इसमें भी डल गया है, कोई बात नहीं, पर ये देखिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है इसका, ये ऑरेंज कलर है और ये रेड कलर। तो अब हम इनको 1 से 1.5 घंटे के लिए ऐसे ही रखे रहने देंगे, फिर हम इनको धूप में सुखाएंगे। ये देखिए 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं, इनमें अच्छा कलर आ चुका है, ये ऑरेंज कलर है और ये रेड कलर है, ये आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं से गलती से रेड कलर डल गया था तो ये थोड़ा सा डार्क हो गया है, ये देखिए। अदरवाइज इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आप देख सकते हैं, ये रेड कलर, ये ऑरेंज कलर। तो अब हम इनको धूप में सुखाने के लिए निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने एक ट्रे में एलुमिनियम की फॉइल लगा के दोनों कलर की टूटी फ्रूटी को ऐसे फैला दिया है। आप भी ऐसे ही फैला दीजिएगा और इसको 2 से 3 घंटे की धूप दिखाइएगा। अगर 2 से 3 घंटे में भी ना सूखे तो आप उसको और ज़्यादा धूप में रखिएगा, लेकिन तेज़ धूप में रखिएगा ताकि अच्छे से ये सूख जाएं। और बीच बीच में क्या करिएगा, इनको ऐसे ऐसे थोड़ा सा हिला दीजिएगा ताकि जो नीचे का मॉइस्चर है वो भी सूख जाए। ये देखिए, इनको धूप में सुखाने के बाद ये अब रेडी हो चुकी हैं, टूटी फ्रूटी बन चुकी हैं। अगर 2 से 3 घंटे में नहीं सूखती हैं तो आप इनको पूरा दिन धूप में रखे रहने दीजिएगा, ये अच्छे से सूख जाएंगी। अब ये टूटी फ्रूटी बन चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए आवाज़ आ रही होगी आपको कि ये सूख गई हैं। अब आप इनको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। आप केक के ऊपर भी डाल सकते हैं, मफिन्स बनाते हैं उनके ऊपर भी डाल सकते हैं, बच्चों को ये बहुत पसंद आती हैं। तो आप घर में बना सकते हैं टूटी फ्रूटी। अगर आपके पास और भी कलर हैं तो आप उनसे भी बना सकते हैं। मेरे पास अभी 2 ही कलर थे तो मैंने उसी की बनाई है। तो अब मैं इसे स्टोर करके फ्रिज में रख दूंगी और एयर टाइट डिब्बे में ही रखिएगा आप। स्टोर करके एयर टाइट डिब्बे में रखिएगा और यूज कीजिएगा इनको। सो गाइस, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।